हेलो गाइस, आज मैं अपने गांव में हूं और आज मेरे गांव में बर्फ गिर रही है। आप ये देख सकते हैं मेरे विंडशील्ड पे मैं गाड़ी में बैठा हूं। मेरे गाड़ी का बाहर का जो टेम्परेचर है अभी -3 डिग्री है, लेकिन मेरे गाड़ी के अंदर मैंने हीटर चला रखा है, हीटर ऑन कर रखा है, लेकिन फिर भी मेरे को ऐसी सीटी बज रही है जैसे मतलब कांप रहा हूं। 4 कपड़े पहन रखे मैंने। मैं ये देखो मेरे हाथ लाल हो गए, टेम्परेचर -3 डिग्री है मेरे एरिया में, देखिए लाल हो रखे एकदम। और आप बाहर देख सकते हैं पे पूरी बर्फ गिर रही है, देख सकते हैं वाइपर दो, ये देखिए पूरी बर्फ गिर रही है। इतना ठंडा है लेकिन बाहर का नजारा इतना मस्त है ना, देखिए बाहर जाने की मेरी हिम्मत नहीं बढ़ रही है। ये देखिए मेरे हाथ लाल हो गए, -3 डिग्री टेम्परेचर है मेरे एरिया में, मेरे होम टाउन उत्तराखंड, होम टाउन। ओ माय गॉड, आज मैं 20 साल बाद अपने गांव में लाइव बर्फ देख रहा हूँ। 20 साल मीन्स 2001 या 2002 के आसपास मैंने अपने गांव में लाइव बर्फ देखी थी और खेला था। उस टाइम मेरे गांव में 4 फीट या 5 फीट के आसपास बर्फ गिरी हुई थी। आज भी स्टार्ट हुई है, अब मेरी विंडशील्ड पे देख सकते। आज मैं दिल्ली से गांव आया हूँ, ये देखिए पूरी बर्फ गिर रही है, विंडशील्ड भी साफ नहीं है, फॉग से थोड़ा बहुत क्लियर हो रही है, लेकिन बाहर बर्फ ऐसी गिर रही थी शीशे में देखो। हाँ मजा आ गया यार, आज रियली आई एम एंजॉयिंग स्नोफॉल इन माय होम टाउन। रियली आज मजा आ रहा बर्फ देख के कि 20-22 साल बाद मैं आज अपने गांव में बर्फ देख रहा हूँ। सच में मैं इसलिए आज स्पेशली गांव आया हूँ कि मेरे यार गांव में बर्फ देखो, अब विंड की कैसे चम रही है। अभी मैं पीछे देख रहा था मेरे गाड़ी के ऊपर कम से कम 1 इंच के आसपास बर्फ गिर गई थी, 1 इंच। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा बहुत कभी बारिश होती है, कभी बर्फ होती, कभी बर्फ कभी बारिश, इसलिए रोड पे बर्फ जम नहीं रही है अभी। लेकिन रात को जब कोई चलेगा नहीं, टेम्परेचर माइनस में चले जाएगा, तो रोड पे बर्फ जरूर जम जाएगी। ये हमारे बोले सॉरी, ये हमारा एक मंदिर है, बजरंगबली का मंदिर है, जय बजरंगबली। ये हमारी रोड है गांव की, बहुत ही आप कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं,